न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। एक चीज हो रहा है, कोई भी ना सात मामा की तो वो भाण जो भी चलो 50 आदमी चलो चेयरमैन के चलो चलो आएंगे हमारे हमारे हिस्से का पैसा चेयरमैन देती है। ये तो मेरा विपक्ष का है, विपक्ष वाले के साथ था, रास्ते में मकान बना रखे हैं। मैं महावीर सिंह, बाबू महावीर सिंह। क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। शहरदारी में पैसे जो है वो लगते हैं, सालम एरिया के पैसे आते हैं। हमारे विधायक, हमारे पार्षद, कौन है आपका पार्षद, जो भी बनते हैं हमारे पार्षद ये खड़े हैं, जो आपका ये अभी स्पीच दी है इसने, कोई कुछ नहीं करते। शहर में पांच दफा सड़क पाट ली, आप जाकर देख सकते। उनका तो कहना है कि हमारे विरोधी विरोधी तो कहेंगे हमारे धूल उड़ रही है, हम तो विरोधी यहाँ हमारे धूल उड़ रही है, हमारे तो घर का धूल उड़ रही है, हम तो विरोधी यहाँ सड़क में पांच दफा बन रही है, शहर कमाई हमारे ईंट नहीं लगती, हम यहाँ आके नौबंदे नहीं, हम दोनों और रेवाड़ी के सीम के बीच का रास्ता है, कौन बनाएगा उसको? इसके लिए आपने विधायक को कहा है? उसको विधायक मैंने कही ये बात, बाबू महावीर सिंह ने ये बात विधायक से कही है कि हमारा सालम एरिया का पैसा नहीं लगता और हमारे धूल उड़ रही है, शहर में पांच दफा सड़क फाट ली और इतने मोटे मोटे हुए हैं, कभी वो बिल्डोजर से भी नहीं टूटते और वो थोड़ी है हमारे धूल उड़ रही है घर का, हमारे क्यों नहीं बनते? क्या मांग कर रहे हो? हम मांग आप समझ नहीं रहे, हमारी मांग ये है हमारा भी बनाया जाए सालम एरिया का पैसा। हमारे 6 वार्ड है, ये 24 से 31, ये हमारी पिछड़ी हुई एरिया है, इसका पोटा आता है, हमेशा शहर में लगता है, हमारे यहाँ नहीं लगता। हम एक पिछड़े हुए में है, पिछड़े हुए रह गए, अब पिछड़े हुए ही हमने रखना चाहे वो रखना चाहे कि वोट दिए जाएंगे, मैं काम आ जाए। शहर के खिलाड़ आदमी है, कहते कुछ है, आपके मुँह पे कुछ कहते पीछे कुछ करते हैं, और हम है एक भेड़ चाल, हम मैं चल पड़ा तो मेरे पीछे 10 आदमी चलेंगे, बाकी हमारा काम नहीं होता। जिताते हम हैं, वो खिलार हैं, ये 6 वार्ड जीतते हैं, 6 वार्ड से जो वोट जाती है वही विधायक बनता है, और आज तक हिस्ट्री है कप्तान से लेकर आज तक, ये 6 वार्ड जिसकी तरफ न हो गए ना वो पार है, शहर जिसकी तरफ न हो गए वो डूब गया। अरे सब जो हमारा पार्षद है वही तो करेगा काम, वो ना करे तो जो फिर उसी को मैं इन्होंने कह तो दिया कि नहीं आता पैसा इनके पास, इन पे थोड़ी ना कह रहा हूँ विधायक पाता हूँ, मैं ये कहता हूँ सालम एरिया का कोटा होता होगा कि नहीं होता होगा, इनसे क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ आप भाई पूछे एक बार सुनो, सालम एरिया 24 से 36 चेयरमैन का रोल है ना होता है बात, शहर में पांच दफा सड़क पाट ली, पूरे एक बल में धूल उड़ रही है, बात को जवाब चलो सबसे पहली चेयरमैन का आज एक सुनो तो छह ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं करो, छह हो तुम, ये नहीं पता छह तुम अगर बोलोगे ना एक सुर में तो तुम्हारा समाधान होगा। सालम एरिया का पैसे आते हैं, रूरल के आते हैं, वो कहाँ लगते हैं? वो लगते शहर में लगते हैं, पूरे लगता ही नहीं, छह दफा सड़क पाट ली आज, जो चाहेगी वो उसका काम नरेश जी, ये क्या मसला है पूरा, ये लोग किस वजह क्यों विरोध कर रहे हैं? देखो जी इनका क्या मैटर है, ये तो ये मेरे वार्ड में जितना काम हो रहा है और वार्डों से पत्रकार लगा देंगे, उन वार्डों से ज्यादा काम हो रहा है, उन वार्डों से ज्यादा ग्रांट आई है। मेरे पड़ोस के वार्ड में 40 लाख का काम हुआ है, मेरे वार्ड में 54 लाख का काम हुआ है,
मैं कैसे कह दूं काम नहीं हो रहे। फिर ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो बीच का रास्ता है वो वार्ड 30 में आता है और उस एरिया 30 नंबर का रास्ता है जो वो वार्ड 30 में आता है उसका काम वार्ड नंबर 30 की ही पार्षद करवाएगी। मेरे रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। मेरा वार्ड 31 बावड़ में था।